हेलो एवरीवन, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सरफेस केमिस्ट्री को स्टार्ट करके उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को देखे हैं और आज का हमारा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कैटलिस्ट और आज हम कैटलिस्ट के बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि कैटलिस्ट होता क्या है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, मान लेते हैं कि कोई दो लड़के आपस में लड़ाई कर रहे हैं और कोई तीसरा व्यक्ति आकर के या तो उनकी लड़ाई को शांत करा दे या तो उनकी लड़ाई को बढ़ा दे। कुछ तीसरा व्यक्ति उस उनकी लड़ाई को बढ़ा या घटा रहा है वो वहाँ पे एक कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा। तो ठीक वैसे ही डेफिनेशन भी इसी तरह का तरह से है। डेफिनेशन बोल रहा है कि या आप केमिकल सब्सटेंस, एक केमिकल सब्सटेंस विच कैन एबल टू अल्टर और चेंज, एक केमिकल सब्सटेंस जो बदलने के लिए सक्षम है, दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज। एक केमिकल सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के दर को बढ़ाने या घटाने के लिए सक्षम है उसे ही कैटलिस्ट कहते हैं। और केमिकल सब्सटेंस विच कैन एबल टू अल्टर और चेंज, दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना और डिक्रीज का मतलब होता है घटाना। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के दर को एक केमिकल सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के दर को या तो बढ़ा दे या तो घटा दे उसे ही कैटलिस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं, हमारे पास एक Na+Cl और हमें पता है कि किसी भी इक्वेशन का या फिर किसी भी केमिकल का ये जो Na+Cl है ये रिएक्टेंट कहलाता है और रिएक्टेंट से जो इधर बाद में जो यहाँ पे प्रोडक्ट आता है ये प्रोडक्ट कहलाता है। तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट के चेंज होने के आने की केमिकल रिएक्शन के दर को जब कोई केमिकल सब्सटेंस बढ़ा दे या घटा दे, जैसे Na+Cl है और यहाँ पे हमने सिलिकॉन में फेंटनल लगाया है और ये इनके दर को अगर बढ़ा दे तो ये यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा। लेकिन आफ्टर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बाद केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले कैटलिस्ट का किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होता। तो कैटलिस्ट जो है वह दो बेसिस पर, दोनों प्रकार के होता है। पहला है बेस और बेस। बेस के आधार पर कैटलिस्ट जो है दो प्रकार का होता है। जिसमें पहला है होमोजीनियस कैटलिस्ट और दूसरा है हाइड्रोजीनियस कैटलिस्ट। साथ ही बेस और रेट दर के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। तो हम जानते हैं कि बेस और फेस के आधार पर कैटलिस्ट का क्या वर्क है और बेस और रेट के आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम लोगों ने कैटलिस्ट का डेफिनेशन देख लिया, अब हम लोग उसके टाइप्स को देखते हैं। तो बेस्ड ऑन फेस के फेस के आधार पर कैटलिस्ट का दो टाइप्स है, पहला है होमोजीनियस कैटलिस्ट, दूसरा हेटरोजीनियस कैटलिस्ट। तो हम आप समझते हैं कि होमोजीनियस कैटलिस्ट और हेटरोजीनियस कैटलिस्ट होता क्या है और उनमें अंतर क्या है। तो होमोजीनियस कैटलिस्ट बोल रहा है होमोजीनियस कि इन दिस केस, इसके केस में रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेस। फेस का मतलब होता है अवस्था। इसका मतलब है कि जो इस केमिकल रिएक्शन का जो ये रिएक्टेंट है और ये जो कैटलिस्ट है ये दोनों एक ही अवस्था में रहेंगे, फिर चाहे वो गैस के अवस्था में हो या सॉलिड सॉलिड अवस्था में हो। जैसे Na+2, हमें पता है कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है और ये कैटलिस्ट है। लेकिन यहाँ पे जो Na2SO2 है वो भी गैस अवस्था में है, O2 भी गैस अवस्था में है और NO भी गैस अवस्था में है। तो जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट एक ही अवस्था में हो तो वैसे कैटलिस्ट को होमोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हेटरोजीनियस कैटलिस्ट। इस कैटलिस्ट में बिल्कुल होमोजीनियस कैटलिस्ट के ऑपोजिट है। इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट एक ही फेज में था, एक ही अवस्था में था, पर हेटरोजीनियस कैटलिस्ट में रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज। जैसे इसका रिएक्टेंट जो है N2 और 3S2 ये दोनों गैस अवस्था में है, गैस के फेज में है, पर ये जो कैटलिस्ट है Fe ये सॉलिड अवस्था में है। इसलिए क्योंकि ये रिएक्टेंट और इसका कैटलिस्ट डिफरेंट फेजेस में है, अलग अलग अवस्था में है, इसलिए इसको हेटरोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं। और होमोजीनियस कैटलिस्ट में रिएक्टेंट और कैटलिस्ट एक ही अवस्था में होना चाहिए। दैट्स इट। अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट बेस्ड ऑन रेट। अब हम लोग दर के आधार पर कैटलिस्ट के टाइप्स को देखेंगे। इसमें पहला टाइप कैटलिस्ट है पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता क्या है देखते हैं। डेफिनेशन बोल रहा है सच टाइप ऑफ कैटलिस्ट, वैसा कैटलिस्ट व्हिच कैन एबल टू, एबल का मतलब होता है सक्षम। सच टाइप ऑफ कैटलिस्ट, वैसा कैटलिस्ट व्हिच कैन एबल टू, जो सक्षम है। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, वैसा कैटलिस्ट जो केमिकल रिएक्शन के दर को बढ़ा देता है उसे ही पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट या तो बढ़ा रहा था
या तो घटा रहा था, पर पॉजिटिव कैटलिस्ट सिर्फ केमिकल रिएक्शन के दर को बढ़ाएगा, उसे ही कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। एग्जांपल है 2SO2 प्लस O2 2SO3, ये बैलेंस किया हुआ रिएक्शन है जिसमें प्लैटिनम जो ऊपर वाला है पीटी, ये एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है जो कि इसके रिएक्टेंट इसके केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के दर को बढ़ा देता है, और इसलिए क्योंकि ये बढ़ा रहा है केमिकल रिएक्शन के दर को, उसके समय को घटा करके उसके दर को बढ़ा रहा है, तो उसे पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट के बाद हमारा नेक्स्ट है नेगेटिव कैटलिस्ट, देखते हैं क्या बोल रहा है। पॉजिटिव जो है जितना होमोजेनियस हेट्रोजेनियस का ऑपोजिट था, ठीक उसी तरह से नेगेटिव कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट का ऑपोजिट था। हम लोगों ने उसमें देखा था कि वैसा कैटलिस्ट जो केमिकल रिएक्शन के दर को बढ़ाता है उसे पॉजिटिव कहते हैं, और यहाँ पे है डिक्रीज, बस इंक्रीज की जगह पे डिक्रीज है, कि वैसा कैटलिस्ट जो केमिकल रिएक्शन के दर को घटा दे उसे ही कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। सच टाइप ऑफ कैटलिस्ट, वैसा कैटलिस्ट व्हिच कैन एबल टू डिक्रीज, जो घटाने के लिए सक्षम है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, वैसा कैटलिस्ट जो केमिकल रिएक्शन के दर को घटाने के लिए सक्षम है, घटाने में सक्षम है, उसे ही नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं, एग्जांपल है 2SO2 प्लस O2 2SO3, ये बैलेंस किया हुआ इक्वेशन है, बस इसमें जहाँ प्लैटिनम था जो कि केमिकल रिएक्शन के दर को बढ़ा रहा था, अभी वहाँ पे NO है जो कि इसके केमिकल रिएक्शन के दर को घटाता है, ये इसका एग्जांपल है, ये नेगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट है। दैट्स इट, डेफिनेशन है, आप इसके छोटे-छोटे नोट्स बना सकते हैं।